सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है। अब वो डीएमके नेता के पोनमुदी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। बल्कि आज सुबह ही राज्यपाल रवि ने पोनमुदी को शपथ लेने का न्योता भेजा है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने आज सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के बदले रुख के बारे में इत्तला दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल आर एन रवि ने पोनमुदी को आज दोपहर 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। बताते चले, एक दिन पहले ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गवर्नर को चेतावनी देते हुए फटकार लगाई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा था कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि पोनमुदी की दोबारा नियुक्ति संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगी। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा, अटॉर्नी जनरल, हम राज्यपाल के आचरण को लेकर काफी चिंतित हैं। हम इस अदालत में सख्त लहजे में नहीं कहना चाहते, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें सलाह दी है, उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी। अब राज्यपाल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर रोक के बारे में सूचित करना होगा। अगर कल तक राज्यपाल अपना पक्ष नहीं सुनाते तो हम उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करेंगे। बता दें, शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को पोनमुदी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल न करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के आचरण पर गंभीर चिंता जताई थी। शीर्ष अदालत ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। बता दें, तमिलनाडु के राज्यपाल ने पोनमुदी को राज्य कैबिनेट में फिर से शामिल करने से मना कर दिया था। उन्होंने इसे संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ बताया था। इसके लिए स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में संपत्ति केस में उनके बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद पोनमुदी को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पोनमुदी की दोष सिद्धि और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने फिर से उनके मंत्री पद को बहाल करने की मांग रखी थी, लेकिन राज्यपाल आर एन रवि ने इस बात से इनकार कर दिया था। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल को 22 मार्च यानी शुक्रवार तक का समय दिया था और अब खबर आ रही है कि राज्यपाल ने यू टर्न ले लिया है। वो के पोनमुदी को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए तैयार हो गए हैं।